जो भगवान का स्वरूप क्या है, तो इसमें बताया गया है कि भगवान का जो स्वरूप है वह पादो यद्यो प्रथमो द्वितीयो। भगवान का स्वरूप नहीं, भागवत का स्वरूप, भागवत सॉरी भगवान भागवत का स्वरूप क्या है वो बताया गया है, पादो यद्यो प्रथमो द्वितीयो तृतीय त्रयो कथिता गुरु पंचम एवं षष्ठो भुजांतरम दोर्युग्रम तथारण्यो तन्यस्तु राजनमो यदुग्रो मुखारविंदं दशम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ददात पट्टम शिरोभिः द्वादशेन भाति। तो बताया गया कि भगवान के जो द्वादश जो अंग है वो क्या है, स्वयं भगवान है। ये जो द्वादश स्कंध जो बताए गए हैं स्वयं भगवान है। इसमें बताया गया, ये भी बताया गया, तमादि देवम करुणानिधानम तमान वर्णम स्मितावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम। इसमें एक शब्द यूज हुआ है वह अपार संसार। फिर अपार संसार क्या है, मतलब जो है संसार है ना इसको पार कर पाना। ब्रह्मा जी के लिए बड़ा गुरु बताया गया कि संसार जो भी समुद्र है ना, समुद्र को क्या तैर के पार किया जा सकता है, नहीं। ये ब्रह्मा जी के लिए भी बड़ा दुर्लभ बताया गया है। तो बताया गया कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 100 वर्ष। भगवान जो ब्रह्मा जी का एक दिन है ना वो इतना है कि तो बताया गया इतने दिन में तो कितनी बार कृष्ण कितनी नष्ट हो गए, दोबारा उस पर रचना भी हो जाती है। ब्रह्मा जी जो है ना वो देखते हैं कि जो वैष्णव पद है ये बड़ा श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के सामने वैष्णव आते हैं जगत में और भजन करके भगवत धाम चले जाते हैं, लेकिन ये जो सुविधा है ये ब्रह्मा जी के लिए भी उपलब्ध नहीं है। ब्रह्मा जी भी दो प्रकार के हैं, एक कर्मी ब्रह्मा एक भक्त ब्रह्मा। कर्मी ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ो, जो भक्त ब्रह्मा है ना वो भी सहज रूप से भगवत धाम नहीं जा सकते, उनके लिए भी बड़ा दुर्लभ बताया गया है ना। वो भी ब्रह्मा जी भी सोचते हैं स्वयं ब्रह्मा सिंह ये वैष्णव पद का श्रेष्ठ है, ये अभी आए और अभी भजन करके सीधा भगवत धाम चले गए, लेकिन वो लोग नहीं जा सकते, उनको अपनी पूरी आयु पूरी करनी होगी। तो बताया गया जो ये भागवत क्या है, सेतु स्वरूप। समुद्र को पार करना तो आसान है नहीं, लेकिन ये भागवतम क्या है, एक सेतु के स्वरूप है। आज नहीं तो कल अगर हम चलते जाएंगे तो इस समुद्र सेतु को हम पार कर पाएंगे। तो भगवान का जो स्वरूप क्या बताया गया भागवत में, शाब्दिक गुरु, ये शब्द के रूप में भगवान भागवत में प्रकाशित है। तो बताया गया कि इसके अंदर विषय वस्तु क्या है भागवतम के अंदर, तो द्वितीय श्लोक में बता रहे हैं धर्म प्रोचित कैतम अत्र परमो निर्मसता वेदम वास्तव अत्र वस्तु सिद्धम पात्र श्रीमद्भागवते महामुनि कृतो किंवा परेश्वर संदो हृदय अवरुद्यते अत्र कृत्यनि शुश्रुभि तक्षणा। तो बताया गया कि धर्म प्रोचित कैतम, ये जो धर्म है भागवत धर्म है क्या है, सारे कपट से रहित है। कौन से कपट से रहित है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसमें एक शब्द यूज हुआ प्रोजित, प्रोजित यानी किस प्रोजित शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि इसमें बताया गया है कि जो वैकुंठ की चार मुक्ति है ना, वैकुंठ की सारुप्य सामिप्य और सालोच्य और साष्टी, साष्टी, ये इन चारों से भी ये भागवत धर्म इससे भी इनसे भी रहित है, इसमें इनका भी कोई प्रवेश नहीं है। ये भागवत धर्म है, शुद्ध भक्ति धर्म है। धर्म प्रोजित क्या था, अर्थ परमो निर्मत्सराणाम सतां, ये परम निर्मत्सर साधकों के लिए। वेदम वास्तव अत्र वस्तु, वास्तव जो वास्तव वस्तु क्या है, कृष्ण। इसमें बताएंगे वास्तव वस्तु कृष्ण है। वेदम वास्तव अत्र वस्तु सिद्धम ताप त्रिगुणमूलकम, सिद्धम ये भक्तों के लिए कल्याणकारी है। ताप त्रिगुणमूलकम, जो तीन प्रकार के ताप बताए गए, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये तीनों से ऊपर है। इनका पाप जो ताप है इनका कारण क्या है, पाप पाप बीज और अविद्या, ये तीनों को समूह में नष्ट कर देता है। सिद्ध ताप त्रिगुणमूलकम श्रीमद् भागवते महामुनि कीर्तो किंवा परमेश्वर, ये जो सबसे पहले भागवतम महामुनि नारायण ने इनको सुनाई थी ब्रह्मा जी को। सिद्ध ताप त्रिगुणमूलकम किंवा परमेश्वर संदो हृदय अवृद्धते कृतभि शुश्रुभि तव तक्षणा, कि जो भी भागवतम श्रवण के लिए कहता है इसका श्रवण करूंगा, भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं और उसको स्फूर्ति प्रदान करते हैं। जिस जो स्फूर्तिमान व्यक्ति है उसके तो हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, और जिसकी स्फूर्ति नहीं है उसको वो भगवान स्फूर्ति प्रदान करते हैं।
तो बताया गया कि भागवतम सुननी किससे चाहिए, है ना, किससे सुननी चाहिए। तो उसमें बता रहे हैं कि स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं कि भैया अहम वेत्मि सुखो वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति भक्ते भागवतम ग्रहण न बुद्धिया न शिया। कि भैया भागवतम किससे सुननी चाहिए, सिर्फ भक्तों से, जो विष्णु दीक्षा में जितना मंत्र हुआ है सिर्फ उन्हीं से भागवत सुननी चाहिए और श्रवण करने अधिकारी भी कोई नहीं। तो इसमें बता रहे कि स्वयं शिव कह रहे हैं कि भैया भक्तों से सुननी चाहिए, मैं जानता हूँ सुखदेव जानते हैं, और लेकिन व्यासदेव जानते नहीं जानते इसका संदेह है, क्योंकि जो व्यासदेव है कौन है, वो भगवान के सत्य में सत्ता सत्य में सेवता है, भगवान के व्यासदेव वो भगवान के अवतार है। तो इसमें देखो एक हमारा एक बहुत अच्छा उदाहरण भी बताते हैं कि जो श्रीधर ऋषिपति पूजा श्रीधर स्वामी महाराज जी के गुरुवार जी स्कूल के फॉर्म करना चाह रहे, जब वो ग्रंथ लिखते थे, जब ट्रांसलेशन करते थे या तो खुद लिखते थे या फिर बोलते थे कोई व्यक्ति उनको नोट करता था, तो जब वो सब कुछ ग्रंथ पूर्ण हो जाता था उसके बाद वो कहते थे मुझे दो, और उसके बाद पढ़ के बड़े आनंदित होते थे। तो उनके भक्त लोग पूछते थे कि प्रभु बात जी आप ये बताओ ये तो आपने ही लिखा है, फिर आप ही क्यों पढ़ के आनंदित होते हो और आप बिल्कुल आश्चर्यचकित होते हो। कहते नहीं, उस समय क्या था, वो सब कौन लिखवा रहे, भगवान भगवान स्वयं आके निरंतर आवेशित हो गए, मुझे आवेश में सब लिखवा रहे, मुझे नहीं पता क्या लिख रहे, लेकिन मैं जो इसका आस्वादन कर पा रहा हूँ कैसे कर पा रहा हूँ, भक्त के रूप में, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो बताया कि जो भक्त लोग हैं वही इस चीज़ का आस्वादन कर सकते हैं। एक बार हमने पहले भी सुना कहीं मैंने कथा में, हमारे श्री भक्ति का नारायण गोसाई महाराज जी ने कोई ग्रंथ के ऊपर चर्चा की थी, तो हमारी कोई दीदी है वो वृंदावन में रहती है, उन्होंने उसके नोट्स बनाए थे, तो जब वो नोट्स बना के उन्होंने हमारे परम गुरुदेव को दिए तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये किसने लिखे ग्रंथ, उन्होंने कहा महाराज जी आपने ही बोला है। तो महाराज जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे, मैंने तो बोला ही नहीं, लेकिन उन्होंने पढ़ा तो फिर उन बड़े आश्चर्यचकित हुए हमारे परम गुरुदेव यहाँ। तो वास्तव में बताया गया कि भक्त लोग हैं वही वास्तव में भागवतों को समझ सकते हैं भगवान ने। तो इसलिए महाप्रभु जी भी जब आए थे बचपन में तो उनका भी एक परीक्षण हुआ था, रुचि परीक्षण, तो उनके सामने बच्चों के सामने खेलने की वस्तुएं सब कुछ रख दिया जाता है, तो उन्होंने क्या करा था, महाप्रभु जी ने आगे सबसे पहले किसको स्पर्श किया था, भागवतम को, और उन्होंने भी भागवतम का प्रचार किया भक्त के रूप में। तो बताया गया कि भक्तों के मुख से ही वास्तव में भागवतम सुननी चाहिए। अगर हम अवैष्णव के मुख से सुनेंगे तो क्या होगा, अवैष्णव मुखोदगीनम उत्तम हरि कथा अमृतम स्वर्णम नैव कर्तव्यम सर्वो उच्चिष्टम यथा भय। हमने पहले भी सुना है कि जो दूध होता है ना वो बड़ा पौष्टिक होता है, दूध पीने से क्या होगा, शरीर में एनर्जी आएगी, पौष्टिक तत्व आएंगे, लेकिन वही दूध अगर उस दूध में कोई सांप मुंह आ जाए तो क्या होता है, सांप दूध विष के समान बताया गया है। तो हम कई बार एक बातें सुनते हैं कि भैया अवैष्णव से कथा नहीं सुननी चाहिए, वो विष के समान है, तो ऐसा है कि अगर कहीं वैष्णव कोई अवैष्णव कथा कर रहा है तो वहाँ सुनने चले गए और वहाँ सुनते ही पंडाल ने सुना और हमारे अंदर विष आ गया, पंडाल में ढेर हो गया, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं, हमारे अंदर क्या होगा, तो जो अवैष्णव है तो उसके भाव है ना वो हमारे अंदर प्रकाशित हो जाएंगे। अब ये चीज़ें हजम भी होती है कि भाई कैसे उस अवैष्णव के भाव हमारे अंदर प्रकाशित हो जाएंगे, है ना, जैसे शास्त्र में एक बात बताया कि नवमान साधु संघ सर्व सिद्धि हो, थोड़ा सा साधु संघ कर लो तो सर्व सिद्धि हो जाएगी। हम अगर रसोई में किचन में भी सेवा करते हैं तो देखते हैं कि भैया यहाँ पैर मत रखना है प्रसादी हो गया, कि तुमने हाथ को छूना ये प्रसादी हो गया, ये झूठा हो गया, कि क्या है मतलब ये चीज़ें। तो बताया गया देखो इसका बहुत साक्षात उदाहरण है, अभी अगर किसी को कोरोना हुआ है ना उसको एक गिलास पानी पिला दो, उस पानी वाले गिलास को अगर किसी व्यक्ति को दे दोगे उसको कोरोना हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्यों, उसके जो वायरस है उसके अंदर आ जाएंगे। उसी प्रकार दूध है ना, अगर किसी अवैष्णव के मुख से कथा सुनोगे तो उसका भी जो वायरस है ना वो भी हमारे हृदय में प्रवेश हो जाएगा। कहते हैं गौमात्र साधु संघ सिद्धि हो जाए, फिर गौमात्र में आप एक कोरोना पेशेंट का संग कर लो देखना कोरोना ना हो जाए, साधु संघ से अगर हमें भक्ति प्रदान नहीं होगी फिर गौमात्र का साधु संघ करेंगे एक सेकेंड के कोरोना पेशेंट को खास दिया तो क्या होगा, हमारे अंदर भी कोरोना। कहते हैं झूठा हो गया, प्रसादी हो गया, अभी अगर किसी कोरोना पेशेंट के कमरे में चले गए उसकी कोई भी छुई वस्तु ने छू ली हमारे हाथ में लग गई तो क्या हमारे हम भी क्या हो जाएंगे, हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो उसी तरह भक्ति जगत की बातें, तो बताया गया कि अवैष्णव के मुख से सुनने से हमारा भक्ति कल्याण ही होगा और हमारे अंदर वो विष के समान ही उसके भाव हमारे अंदर प्रकाशित हो जाएंगे। तो बताया गया कि जो श्रीमद् भागवतम का महात्म्य क्या है,
तो इसके भागवतम के तीसरे श्लोक में बता रहे हैं श्रीमद्भागवतम क्या है, ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। किस प्रकार का फल है? एक वृक्ष लगा है उसमें एक सुंदर फल लगा हुआ है। अब हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम उस फल तक पहुंच पाए। बड़ा सुंदर फल है, पका हुआ फल है, हम डंडे से भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो गिर नहीं रहा, पत्थर भी मार रहे हैं पहुँच ही नहीं रहा। अब पेड़ में चढ़ नहीं सकते, क्या पता पेड़ में चढ़ जाए तो हम ही ना गिर जाए, फल गिरे ना गिरे। लेकिन तभी क्या हुआ, तोता आया, उसने तोते ने उसमें चोंच मारी और फल सहज ही रूप में हमें प्राप्त हो गया। तो तोता कौन है? वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी जी, जो भागवतम जो है ना सरल रूप में हमें उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कौन है? तो हमने गुरुदेव के मुखारविंद से पहला कथा सुनी भागवत में कि एक बार देववर्ष नारद जी पार्वती जी के पास पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं कि पार्वती जी आप ये बताओ, ये आपको पता है शिव जी जी आपसे सारी बात छुपाते हैं। उन्होंने पूछा कि ये क्या बात छुपाई? कह रही आपको पता है जो शिव जी के गले में मुंड की माला किसकी है? तो पार्वती जी ने बोला मुझे तो पता नहीं। तो नारद जी ने कहा आपको तो कुछ पता ही नहीं, हम नारद जी के वहाँ से चले गए अपना काम करके। अब पार्वती जी बड़ी रुष्ट हो गई, तो वो गई शिव जी के पास, पूछा कि ये बताओ आपकी जो मुंडो की माला है किसकी है? तो शिव जी ने कहा तुम्हारी है। मेरी? कहा तुम्हारी है। तुम जब तुम मृत्यु हो जाते, तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो मैं तुम्हारी मुंडो की माला में धारण कर लेता हूँ। तो पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये बताओ तुम तो जी रहे हो, मैं हमेशा भी हो शरीर छोड़ना पड़ रहा है मुझे। तो उन्होंने बताया कि भैया मैंने श्रीमद भागवतम कथा का आश्रय लिया हुआ है और मैंने अमर, ये क्या है? अमर कथा है, ये अमृत के समान है। तो पार्वती जी ने भी जिज्ञासा की मुझे भी ये कथा सुनाओ। तो शिव जी ने कहा ठीक है। फिर बताया गया कि उनको वो एक जगह लिए थे अमरनाथ में, अमरनाथ में उनको पार्वती जी को भगवान शिव ने ये कथा सुनाई। तो जब वो शिव जी जो ने कथा सुना रहे थे वहाँ बताया गया कि वहाँ एक तोता भी था, वो भी वहीं उपस्थित था। जब शिव जी ने कथा सुना रहे थे तो जब भी कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी वहाँ से उनका लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, पार्वती जी सो गए। लेकिन तोते को बड़ा आनंद आ रहा था कथा सुनने में, तो उसने क्या किया पार्वती जी के बदले आवाज लगानी शुरू कर दी। और अंतिम समय में जब बोला शिव जी ने श्रीमद भागवत महापुराण की जय, तो पार्वती जी जाग गई। और पार्वती जी कह रही भैया मैंने तो कथा सुनी नहीं। शिव जी कह रहे मैं तो कथा सुना रहा था और बीच बीच में तो हुंकार भी बोली थी वगैरह। पार्वती जी कह मैंने तो सुनी नहीं। और शिव जी ने ध्यान लगाया तो देखा कि वो कथा किसने सुन ली, तोते ने। और शिव जी उसको पकड़ने के लिए मारने के लिए दौड़े और वो क्या हुआ, भागता भागता तोता कहाँ पहुँच गया, व्यास के आश्रम में। और वहाँ उनकी जो पत्नी थी उनके मुख में वो सूक्ष्म रूप में उनके गर्भ में वो चले गए और शिव जी उनको वहाँ ढूंढ रहे है ना मारने के लिए। वहाँ व्यास देव से उनका चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि भैया शिव जी आप तो बड़े भोले हो, आप ही कह रहे हो जो हमारी कथा सुन लेगा अमर हो जाएगा और आप तोते को मारने के लिए ढूंढ रहे हो है ना, तो वो तो अमर हो गया है। तो वास्तव में जो तोता कौन था, वो तोता कौन है, सुखदेव गोस्वामी जी। बताया गया वो राधा रानी के जो तोता था सुख और सारी, तो ये वही सुख है जिसको राधा रानी अपना अनार का दाना खिलाती थी और उसको चुम्बन भी देती थी। तो इस वजह से क्या हुआ, तोते के मुख में राधा रानी का अधर अमृत लग गया है, तो वही सुखदेव गोस्वामी जी है। तो उसने बताया कि निगम करपित्रो गलितम फलम सुख मुखात अमृतम द्रव्य शरितम भागवतम रसमालय मूरो रसिका भूमि भाविका। तो बताया गया कि भैया जो ये ग्रंथ है ना इसका इतना पान करो मूरो कि भैया अंतिम समय तक। तो बताइए भैया ऐसे कैसे पान करें? तो देखो हम नॉर्मल जगत में देखते हैं, साधारण जगत में कोई व्यक्ति है शराबी है ना, उसने ऐसा तो है नहीं वो बचपन से शराबी है, उसको स्टार्टिंग में शराब जब पिलाई जाती है सब जानते हैं कि वो शराब क्या है, कड़वी होती है। और जब वो पीता है तो फर्स्ट टाइम वो सामान्य बात अपने आप को गिरता रहता है, उसको नशा चढ़ जाता है ना। जब भी कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम पिएगा या हमेशा जो भी पीता है उसको क्या होता है, उसका नशा चढ़ जाता है ना। लेकिन क्या वो छोड़ देता है? नहीं, तो धीरे धीरे उसकी इतनी आदत लग जाती है वो अपना घर बार तक बेच देता है उसके लिए, उसको इतनी आदत लग जाती है।
लेकिन उसको इतना रस आने लगता है कि वो चाहता है कि मैं हमेशा नशे में रहूँ। वो इतना पीता है कि उसे उल्टी बहन लग जाती है, लेकिन वो छोड़ता नहीं क्योंकि उसे आनंद आ रहा है ना। तो ये बताया गया साधारण जन्म में जब शराब में व्यक्ति को इतना आनंद है, तो श्रीमद भागवत रूप जो अमृत स्वरूप है इसमें कितना आनंद होगा। तो बताया गया सिर्फ पीते रहो कब तक, अंतिम समय तक, जब तक तुम्हें उसका स्वागत हो जाए, क्योंकि उसमें तुम डूब ना जाओ। तो ये भागवत में कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसमें बताया गया कि जिसने इसका पालन कर लिया उसकी और किसी ग्रंथ में रुचि नहीं होती। इसका भी एक श्लोक है लास्ट में, मुझे याद मेरा जिसने जो श्रीमद भागवत में अगर जिसने भी इसको समझ में सर्व वेदांत सार ही श्रीमद भागवतम इससे तद रसामृतम तृप्त से न अन्य श्यादि क्वाचित। कि भैया जी सर्व वेदांत सार ही, सारे वेदों का सार क्या है, श्रीमद भागवतम। जिसने इस ग्रंथ का आस्वादन कर दिया उसकी और किसी ग्रंथ में रुचि हो नहीं सकती। जिस प्रकार एक शराबी को अगर इसके सामने एक शराब की बोतल रख दो, एक बनाना शेक रख दो, एक बादाम का शेक रख दो, जूस रख दो, लेकिन वो सब छोड़ के क्या पकड़ेगा, शराबी पकड़ेगा। उसी तरह जो भागवत भक्त है उनकी अगर भागवतम में रुचि होगी ना, फिर वो किसी और को नहीं देखेंगे। तो हमारे श्रीमद भागवतम क्या यही महत्व, श्रीमद भागवत महापुराण की जय। महाराज उसको देखने से बोलता अभी सारा दुनिया में इकट्ठा कर अब थोड़ा गाता सही बोल रहे हैं आठ आठ घंटा जा रहे कल्याण हो और कोई स्वास्थ्य से कल्याण हुआ नहीं,
ना हमने सुना, गुरुदेव के मुखारवि से यही सुना कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही ऐसा है जिसके आश्रय से पतित से पतित भी और श्रेष्ठ से भी, क्या परीक्षित महाराज श्रेष्ठ नहीं थे? ज्ञान वैराग्य श्रेष्ठ नहीं थे? उनका कल्याण माना और हिंदू का एक जैसा भी शायद गुरुदेव की वजह से कभी हो जाए कुछ तो ऐसे होगा। तो इसमें श्रीमद् भागवत गीता का महात्म का वर्णन करते हुए शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये सत्संग बहुत दुर्लभ है, ऐसे किसी को प्राप्त नहीं होता। गुरुदेव बताते हैं बड़ोद में कितने लोग होंगे, बड़ोद में छोड़ दो गुरुदेव से हरिनाम दीक्षित कितने लोग हैं बड़ोद में, और तो हम बात नहीं करते जो गुरुदेव से जुड़े होने की बात तो कर सकते हैं कि कितने लोग हैं, शायद गिनती नहीं हो, हम नहीं जानते, गुरुदेव जानते हो कितने लोग होंगे, पर कितने लोग आते हैं सुबह मंगल आरती में या शाम को सात में, शाम को 50, सुबह 5, पूरा 10 गुना का अंतर, बस इतने लोग, इससे ज्यादा नहीं। तो ये बात सत्य है, फैक्ट है, स्वयं जब भोले बाबा इस बात को कह रहे हैं कि ये सत्संग बहुत दुर्लभ है, ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं होता। गुरुदेव ने बताया कि अगर एक घर के बराबर में किसी की शादी हो रही हो, अगर उसको ना बुलाया जाए तो वो नहीं आएगा, अगर कोई अमेरिका में हो वहां फोन कर दो वहां से आ जाएगा। तो ये भागवतम आप सब लोगों को बुलाया है, इसलिए आप सब लोगों के हित्य में यहाँ पे आने की प्रेरणा दी है कि जाओ गुरुदेव के चरणों में बैठो और श्रीमद् भागवत कथा का सार सुनो। तो इसको क्यों सुना जाए, महात्मा भागवत क्यों सुना जाए, हम सबसे ये प्रश्न करें। तो इसका प्रमाण गुरुदेव ने बताया है, गोपियां गोपी गीत में बताती है, क्या बता रही है कि तप्त कथामृतम तप्त जीवनम। तो उसमें गुरुदेव ने कहा कि जो ये कथा है ये अमृत है, इसलिए इसको सुना जाए। अभी हमारे ब्रह्म जी ने बताया कि ये कथा अमृत क्यों है, कि स्वयं भोले बाबा अपने अध्यात्मिक पार्वती को बता रहे हैं कि मैंने इस कथा को सुना है, ये अमृत है जिससे मैं अमर हुआ हूँ और मैं हमेशा जीवित रहता हूँ, तुम बार बार मृत्यु को प्राप्त होती रहती हो, तुम्हारे पानी कितने जन्म हो चुके हैं, तो उनके ऐसे कैसे हो गया, उनका ऐसा ही हुआ है, तो फिर वो कथा मुझे भी सुनाओ। तो जब पार्वती जी को वो कथा जिस स्थान पर सुनाई, उस स्थान का नाम भी अमरनाथ हो गया, और जी जिसने वो कथा सुनी सुखदेव को सुनी सुनी वे भी अमर हो गए। तो ये कथा अमृत है, गुरुदेव के मुखारविंद से जी जिसने कथा सुनी वे भी निश्चित रूप से अमर होंगे। पर किस तरह, जब जैसे प्रभु जी ने बताया था जब धुंधुकार कि सब लोगों के लिए रखा है, सब लोगों के लिए सिर्फ धुंधुकार के लिए रखा है, तो क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमने उस कथा को सुनकर विद्यांग नहीं किया, उसके मनन नहीं किया, उसको एक चीज से सुना नहीं, इसलिए नहीं आया, क्योंकि पार्वती जी के लिए आया, प्रभु जी ने बताया ना उन्होंने सुना नहीं, बस गुरुदेव बताते हैं कथा में तीन तरह के लोग होते हैं, सबसे पहला श्रोता मेरे जैसा जब कोई कमल लगाकर सो जाओ, एक श्रोता एक श्रोता, तो वो काम है, तो हमें श्रोता नहीं बनना है, श्रोता नहीं बनना है, श्रोता बनना है, कथा को सुनकर विद्या करके। गुरुदेव इसमें एक और कहते हैं कि तीन प्रकार की मूर्ति है, एक 5 रुपए की, 50 रुपए की, एक 500 रुपए की, तो कौन सी वाली मूर्ति बनना है, 500 वाली। तो यहाँ से गया और यहाँ उतर गया, यहाँ से कहते यहाँ को नहीं निकला, सीधा अंदर उतर गया। तो जब भी ये कथा आपको दे सकते हैं, अब डॉक्टर आपको दवाई देगा, आप वो दवाई लेकर घर पर लाकर रख लो तो क्या वो काम करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, वो ले भी लो वो काम जब करेगी, जब उसका प्रेज के साथ उसको लिया जाएगा वो कंप्लीट काम करेगी। तो इसी प्रकार के भागवतम है, ये आप अगर सुन भी लोगे तो इसके साथ आपको उसका हृदयांगन भी करना होगा, जब ये कल्याण करेगी। तो गोपियां कह रही है गोपी गीत में कि तव कथामृतम, ये आपकी कथा अमृत के समान है। इसमें गुरुदेव एक और बात बताते हैं कि तव कथामृतम, कि जिसने आपकी कथा सुनी उसकी मृत्यु निश्चित है। किस प्रकार मृत्यु निश्चित है, इस भव संसार से निश्चित है, वहां निश्चित नहीं है, ये संसार जो उसका बंधन है खत्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाएगी। इसमें आगे बता रहे हैं कि तप्त जीव नाम, सबसे भयंकर साल यही है इस संसार का, कि सभी लोग इस संसार में तप्त हो रहे हैं, सब दुख से वैराग्य है, कोई घर सुन रहे थे हम इसके बताए अनुसार, कोई घर से दुखी, मेरे जैसे तो सब ज्यादा दुखी 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 दुखी, तो इससे कौन कौन से किस किस दुखी है। गुरुदेव ने हमें गुरुदेव के मुकाबले सुना है कि हम ये जीव अपने कर्मों के अनुसार
अपने सारे तत्वों को, जितने भी वो कष्ट हो रहा है उन सबको सुधार सकता है कर्म करने से। वो अपने जन्म मरण मृत्यु जरा व्याधि आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक, पर कौन से कर्म? सांसारिक कर्म नहीं, आध्यात्मिक कर्म से। सांसारिक तो सभी करते हैं, या कुत्ते बिल्ली सुअर ये कर्म ही करते हैं, इनकी तो कर्म ही होनी पूरी प्रधान है, इनकी तो कर्म ही होनी है, तो इनका कल्याण क्यों नहीं होता? तो वो कर्म नहीं जो इस संसार में रहते, वो तो नित्य है, वो तो होता रहता है। संसार की जो लोह है उसमें लिखा हुआ है कि संसार में आगे ये ही करना है और कुछ है नहीं साधन से अलग, पर उससे अलग छोड़कर ये जो शास्त्र है, जैसे बताया कि अभी आप यहाँ पे बड़ी सी मशीन लिया कोई भी, जब उसके बारे में पता नहीं होगा तब क्या उसे कोई चला पाएगा? नहीं चला सकता। उसके साथ एक मैनुअल आता है, एक गाइड, उसको पढ़कर ही उस मशीन को कोई भी चला सकता है, पर उसको बिना गाइड पढ़े उस मशीन को चलाएंगे या तो मशीन खराब हो जाएगी या उससे कोई चोट खा लिया। परंतु जो वो गाइड आ गई उसके साथ, उसे पढ़ के वो निश्चित रूप से कार्य करेगी। तो इसी प्रकार जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो इसके साथ भी इसके मैनुअल दिए। मैनुअल क्या है? ये सब ग्रंथ, इन ग्रंथों के अनुसार ही इस सृष्टि में चला जा सकता है। अगर इस ग्रंथों को छोड़कर हम सृष्टि में चलेंगे नहीं जी पाएंगे, सड़ते गलते मरते रहेंगे। अब दोष किसको देते रहेंगे कि भगवान ने नो कर दिया, नो कर दिया, ऐसी कर दी, पुराना कर दिया, चोट मार दी, नो कर दिया, मुझे भूखा मार रखा, गलती भगवान की निकाल लेंगे। पर जो मैनुअल साथी है उनको नहीं पढ़ेंगे, उन पर विश्वास नहीं करेंगे। मास्टर जी क्लास में बताया था 2+2=4, उस पर विश्वास कर लेंगे। बंदर को कथा बताएगा उसको विश्वास करेंगे, हाँ बताया, पर शास्त्र में ये बताया गया कि ये सब चीजें तो लिखा है, क्या भगवान जी आकर बता देते तुमने सुना उनसे? ये कौन सी बात आ गई? वो मास्टर जो यही पैदा हुआ यही मर जाएगा उसके बाद भी विश्वास कर रहे हैं, पर जो ग्रंथ बता रहे हैं भगवान स्वयं कृष्ण अपने वाणी से गीता में जो उपदेश दे रहे हैं उसको नहीं मान रहे। उसके बाद तुमने सुना था चाहते हो, तुम सुनता थे कुछ चेतन चाहते भगवान क्या बोल रहे थे, किसी ने सुना लिखा, किसी ने लिखा संसार में, उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, तो ये हमारी दुर्बुद्धि है। तो इसमें 7 प्रकार के पाप है, तब जीवन भी खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये पता चल पा रहा है आप लोगों को कौन कौन से? माता जी आपको चलो आगे सुन रहे कि कवि विरिक्रम कि ये बताती है कि ये कथा है सबसे सुंदर किसको लगती है। ये कथा भगवान के मुखारविंद चाहिए, भगवान से ब्रह्मा जी को मिली, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिली, नारद जी से वेद व्यास जी को मिली, ऐसे करके गुरु परंपरा के द्वारा हमारे गुरुदेव के माध्यम से हमने सुनी है। तो ये कथा सबसे ज्यादा प्रिय किसको लगती है? ये स्वयं जिन्होंने सुनाई है भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। अगर यहाँ पे भी कोई नहीं है तो कथा भगवान सुन रहे हैं। गुरुदेव ने स्वयं बताया है कि एक वक्ता जब कथा करता है तो उसका ये औचित्य होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि कथा भगवान स्वयं सुन रहे हैं, स्वयं भगवान इस कथा को सुन रहे हैं। इसमें गुरुदेव एक प्रश्न में बताते हैं कि एक जयपुर मंदिर में जो हमारा राधा गोविंद जी का मंदिर है, जो मेन हमारा मंदिर है, उसमें एक बार कथा हो रही थी कुछ बहुत साल पहले। तो जब कथा हो रही थी तो विश्राम हो गए बीच में, जब विश्राम बीच में हो गए तो वे चले गए। जब दोबारा वे आए तो उन्होंने पूछा कि मैंने पिछली बार कथा काव्य मिश्रा के लिए किसने बताया है? तो मेरे सवाल को कितने हल लगाई जी, रात का कहा उसको तो याद रहता, कथा तो जब याद रहेगी बस ठीक है। तो यहाँ किसी को नहीं पता बहुत, तो जब भी मंदिर से आवाज आए नहीं कथा मैं सुन रहा था मुझे बताया यहाँ पे से, आप यहाँ से आगे स्टार्ट करो यहाँ तक कथा सुना सकते, ये साक्षात नाम प्रमाण है गुरुदेव ने बताया। ये कभी भी उसके बारे में सुना है कि कर्म साह ये संसार की जो इस जीवन में पिछले जीवन में और आने वाले जीवन में जितने भी हमारे पाप हुए हैं सबको नष्ट करने वाला है। गुरुदेव बताते हैं कि जब हम कथा सुनते हैं तो हम स्वयं भगवान की गोद में बैठ जाते हैं, और जिसको भगवान की गोद मिल गई तो उसके लिए क्या पाप क्या पुण्य, वो तो वैसे ही निर्मल हो गया। गंगा जी में स्नान करने से जिस प्रकार पाप निर्मल हो जाते हैं उससे कई करोड़ों गुना अधिक श्रीमद् भागवत कथा अमृत में स्नान करने से हमेशा हमेशा के कर्मसों का नाश हो जाए, इस जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। इसका श्रवण मंगलम, हम सुन रहे हैं
सर्व मंगलम, किसका मंगल नहीं हो रहा है? जो मंगल आरती हो रही है उससे मंगल हो रहा है, गुरुदेव का दर्शन हो रहा है उससे मंगल हो रहा है, वैष्णव सुन रहे हैं उससे मंगल हो रहा है, और सबसे अच्छी बात श्रीमद भागवत कथा का महत्व सुन रहे हैं उससे मंगल हो रहा है। मंगल ही मंगल हर तरह से मंगल। हमने प्रभु जी मुखार से भी अभी सुना था कि अगर श्रीमद भागवत कथा पर जाने का कोई निश्चय कर ले कि महाकथा होनी है और मुझे जाना है या हो रही है, वो बहुत अच्छी बात है, भी वो कह दे तो भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं कि अब तो मैं इसको वहां ले जाकर ही छोड़ूंगा। वो एक दिन ही जाएगा, दूसरे दिन जाएगा, पर किसी जन्म वाले दिन जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगा, क्योंकि वो अवरुद्ध हो चुके ना, उसको तड़प आ रहे हैं, नहीं आज हो तो आज नहीं जा, कोई बात नहीं, कल जब फिर हमारे गुरुदेव का कृपा लोग सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं, फिर तो अपने आप जाना है किसके लक्ष्मी आदि सभी को प्रदान करने वाली है। जो जो ये अच्छा जो इस संसार में आपने देखा भी होगा, जो जो श्रीमद भागवत कथा का पाठ करते हैं वो कोई देखा है नीचे स्तर पे कि कोई सड़क पे बैठ कर फटे पुराने पुराने कर रहा होता था, देखा कि सुनाओ तो देखा नहीं, आपने देखो तो स्वयं भागवत जी उसको सब चीजें प्रदान करती है, ये स्वयं है। उसके बाद कर्म चापहन, फिर ये संसार के भोग बंधन का भी नाश करने वाला है। श्रीमद् भागवत कथा इस संसार के समस्त बंधन को नाश करने वाली है। और गुरुदेव बताते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? जो श्रीमद् भागवत कथा का दान करता है, दूसरों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराता है, वो इस संसार में सबसे बड़ा दानी है। जिस प्रकार की मेरे गुरु हैं वे सबको इस कथा का दान करिए, सबसे बड़े दानी ये वंशा कर्म के पास ही और भगवान ले कहे कर लियो तुमने रोज बोल रहे कथा में घर से परेशान है धार कर दो रोज बोल रहे हो कथा में आ जा समान दे आज वंट से जवान से ये कम सब अंग्रेजी समझते हो? उमा दीदी कहाँ रह कहाँ जा रहे हो? क्या बहु घर का काम नहीं कर रही है? हाँ देर से उठ के है, कितना देर से उठती कोई कापी लाना, जैसे उन्होंने बताया ना कथा सुनने से कितना लाभ है, अगर उसको रोज रोज लिखोगे फिर बोल पाओ तुम भी, एक दिन बोल पाओ ठीक है, कापी ला कर नोट कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I would like to offer my humble obeisances to the Lord Speaker of my Gurudev Srila Prabhupada Shrishimadvaita Shridasa Maharaj. Also, I limit the obeisances to the Lord Speaker of our Mother Gurudev Srila Sai Prabhupada Shrila Prabhupada Maharaj and all our acharyas. And also all Vaishnavas, Vaishnavian, all assembled devotees, please accept my humble obeisances. And Gurudev asked to speak. You know Hindi? Aap kaise ho? Yes. Thoda thoda. Hum acche hain. Yeah, it would be nice to speak Hindi one day, so I will try. Yeah. Mixing up your water. Mixing. No, Indian English mixing. English. Nice. And I would like to speak today about the glories of Srimad Bhagavatam. And why in this material all the divinities, actually he said in Srimad Bhagavatam, all the divinities they are trying to escape from sufferings and get happiness.
no other business here in this material world. Just escape from suffering and receive happiness. But nothing in this material world can solve this problem. Nothing can solve this task. Exception of Bhagavatam. In Shrimad Bhagavatam there is one shloka, Vikatitam Rajavatum, Vikatam Chayakishnu, Shadami, Tamashiyo, Yadkava Mayerya, Bhaktim, Param Bhagavati, Pratilat Yakama, Bedroga Ashu Kapatino, Ajayana Tiro. It is said that that we have the enemy. We try to be happy. We try to remove all sufferings. But there is one enemy. What is the enemy? This is the selfishness. This is lust. I want to enjoy the mood. And Krishna, okay, you can enjoy material, no problem, but you should not cause the suffering to another human being, another living entity. And because this world made for love. Krishna made it because of love. It is love, actually. It's Krishna himself, love, pure love. But because of human being trying to enjoy, it caused the suffering to another person. And that's why by the law of karma, it received sufferings. So it is not possible in this material world, if you have karma, if you have desire to enjoy, not possible to be happy in this material world. That's why this karma is the main enemy. Krishna said to Arjuna in Bhagavad Gita, this our main enemy is karma, this desire to enjoy. And how to remove this desire? Krishna said that Vikasitam Rajavadut Kiridam Chayishnu Shadana Itam Shiyat Paramedya. He said, if you listen the stories, if you listen the pastime of Krishna and from the bona fide guru, and after that you recite this, then you can easily conquer this lust, remove this lust from your heart. And समझ में आ रहे हैं देख रहे हैं किसको समझ में आया बोलो तो ये कह रहे हैं संसार में हमें दो चीज़ हर समय चाहते हैं दुख जाए और सुख आए इसलिए हम सारे काम दुनिया में कर रहे हैं दुख जैसे चाहे लेकिन कभी दुख जाता नहीं और सुख आता ही नहीं है या आता ही नहीं बोले क्यों इस संसार में दुख भोग करते हैं बोले इसलिए दुख भोग करते हैं हमारे अंदर में तरह तरह का कामना वासना है हैं कहते कामात संजाय थे क्रोध इसलिए कहते ये दुख का कारण है कामना जब कोई इच्छा करते हैं जब वो इच्छा पूरी नहीं होता है ना तो हम दुखी हो जाते हैं भैया हम ये चाह रहे थे हमारी इच्छा पूरी नहीं हुआ हैं तो वो उसने एक श्लोक बताए कहते ये जो काम रोग कैसे हृदय से खत्म होगा बोले कामना वासना खत्म कैसे होगा अगर ये श्रीमद् भागवत कथा को आप विशेष करके भगवान का ये रासलीला को अगर कोई गुरु परंपरा गुरु मुख से अगर ये कथा कोई श्रवण करे मतलब अचिराते मतलब जल्दी से जल्दी तुम्हारे हृदय का जो रोग जो काम रोग है वो खत्म हो जाएगा और भगवान के चरण में तुम्हारी प्रेम और प्रीति भगवान के चरण में अपने आप हो जाएगा इसलिए कैसे होगा बोले भागवत कथा सुन और भागवत में जो सर्वश्रेष्ठ कथा किया बोले भगवान का रासलीला है अगर इसको कोई सुनेगा तो सुखदेव गोस्वामी का तो सारी कामना खत्म हो जाएगी वास कामना खत्म हो जाएगी तो परम शांति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी इसलिए कह रही भागवत कथा सुनने का सारे दुख कष्ट दूर और सुख जीवन में प्राप्ति हो जाए बोलो And because he gave it Srimad Bhagavatam, and he himself comes to material world to manifest this lilas. Anugrahaya bhaktanam manushyam dekham astritam. Bhajat dadeshe kreda yashu vadat parok pavet. He said, if you listen to my pastimes, you will surrender unto me. Slowly, your enmity towards me will go away and you will surrender. So Krishna is supreme merciful. That's why he gives Srimad Bhagavatam. And the glory of Srimad Bhagavatam explained in the beginning, in Mangalacharam. And the second shlok, Dharma Prajatava Davatra, Yamasa Dharam Satam, Vetyam Atram Vaska Shivatam, Tapatra Mulanam, Srimad Bhagavatam, Mahamani Krita, Timba Prahiri, Shvara, Sangyo Avadadiya Dram, Krishi, Shushushi, Shushushu, Ispachanam. It is said that Srimad Bhagavatam, Dharma Prajataka Davatra, it is devoid of, free of false karma. And
In Srimad Bhagavatam it is said Paramatharma, Supreme Param. And so let's a little bit drill deeper and understand what does it actually mean for me, what does it actually mean practically. And there are different types of karma. We know that everybody in this world following karma. Human being different from animal only because of karma. Human being can follow karma, animal cannot follow karma. And even in jail, you know, in jail they follow karma. One famous person, he came from jail in Russia and he said that, you know, I understand that all good people in Russia, they either in jail, otherwise outside the country. And he was explaining some rules in jail. You cannot cheat. In jail you cannot cheat. If you cheat, they will beat you. You cannot you allow adharma. If you go and see that some adharma happens, you should stop. If you not stop, then you're guilty and you should be punished. So many of these rules in jail that makes people very pious there. Outside they do business, they cheating, they all these things, they do so many simple. But in jail they do more karma. So he said that actually he was telling that, you know, this jail karma very good, actually jail life very good. Very surprising. That's why we cannot avoid everybody of us, each of us follow karma. But different types of karma. And in the beginning, when there is so much selfish mood, human being try to enjoy material world. Sakama karma. Then, okay. Then, nishkama karma. Then, tyaga. But all these cause suffering. The result of these things is suffering. क्या बोला उसने? हिंदी में बोल सकता हूँ. अब उसने क्या बोला? हिंदी में बोलो उनको क्या बोला? याद है बस उसने क्या बोला? ए क्या बोल रहा था? Different types of karma. In the beginning, when so much selfish desire, the human being tried to enjoy this sakama karma, nishkama karma, tyaga. But all this caused only more suffering. After some time, Bhaktivinoda Thakura and Jayavadharma said that after some time, the jiva understand that, no, I need to find some spiritual, pray to God, because Krishna said in Bhagavad Gita, Bhaktaram Yagyata Pasam, Sarva Loka Makeshwaram, Supridam Sarva Bhutanam, Supridam Sarva Bhutanam. I am the best friend. Best friend. So, if you understand this, if you accept this, then Yadvam, Mam, Shanti, Vrichkati, you will go to peace. And after some time, Jiva understands, okay, I better start praying. But he cannot immediately do pure bhakti, shukha bhakti. It starts from Misha bhakti. And it starts from bhakti Misha karma. So much karma in the little of bhakti. So, the result is enjoyment in the heavenly planet. Then come back to Earth again suffering. After that, Jiva understands, okay, need to be some more. Okay, I renounce. Then Bhakti Misha Dhyana. And what is the result? Sayujya Mukti. Sayujya Mukti also will not give supreme happiness. Then again, Jiva start thinking, okay, I need more devotion. And start Karma Misha Bhakti. And what is the example of Karma Vishnu Bhakti? For example, Gajendra elephant. He tried to remove sufferings. And when a crocodile caught him, he tried to remove sufferings and he sincerely prayed to Bhagavan, no, please save me. Because of his previous kriti, previous samskaras, he can sincerely pray to Lord Vishnu. And he came and helped him. Then second example of Karma Vishnu Bhakti is Dhruva Maharaj. He won kingdom. He went in them and so sincerely prayed to God. And that's why this is an example of Adhartha. And Dandakaranya sages, they just, because of their curiosity, they so sincerely prayed to God.
And this is the example of Karma Misha Bhakti. What the example, what the result of Karma Misha Bhakti? This is liberation. Salokya, Samipya, Sashti, Sarupya. One of the four types of liberation, Jivatma get if he follows Karma Misha Bhakti. But it is also not supreme. If someone follows Karma Misha Bhakti without, like, Nishkama, without desire to enjoy, he can go Dhyana Misha Bhakti. Dhyana Misha Bhakti can, this is like, not just enjoying, this is like inquiring, who am I? Who am I? Trying to find Jivatma inside of yourself. And the example of four Kumaras. Four Kumaras, they got Shantarati, Shantarati. They got Shantarati. And after that time, Bhaktivinoda Thakur said that after, easily, if by chance this person meet sadhu, then easily he follow Bhakti. Very top level. In the example of Vaishnava Thakur from Jayavadharma, he just saw, he was realized. Brahmaputta Master, he was realized. But and he saw Vaishnava, pure Vaishnava. Easily he became Vaishnava. And easily he became one of the top Vaishnavas, very sincere Vaishnava. So, this Jnana Misha Bhakti. And if... Yes, I mean, what do you say? Hindi mein bolo zor zor se. तो ये बता रहे देखो कि धर्म प्रोजी जो भागवतम का दूसरा मंगलाचरण श्लोक है ना उसके अंदर बताया धर्म तो धर्म क्या है इस धर्म की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बताया पशुओं से इस प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ है ना मनुष्य को भी धर्म का याचन कर सकते हैं अभी धर्म के अंदर भी सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म तो भगवान का भजन करना है लेकिन हठात कोई उसके ऊपर नहीं पहुंचता उसके याचन के लिए सबसे पहले कुछ लोग आरंभ करते हैं किससे कर्म से कर्म कर्म के अंदर भी क्या भक्ति मिश्र कर्म कर्म ज्यादा करते हैं भक्ति बहुत ही कम उसके बाद फिर ज्ञान का अवलंबन करते हैं तो उसी के अनुरूप उनको फल प्राप्त होते हैं कर्म का याचन करते हैं तो उससे स्वर्ग इत्यादि लोगों पर चले जाते हैं लेकिन जैसे उनके पुण्य समाप्त होते हैं फिर वापस इस मर्त्यलोक में आते हैं तो मन ही मन विचार करता है कि नहीं ये ठीक नहीं है उस समय पर ज्ञान का अवलंबन करके जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूँ तो उस चीज को जानने जानता हूँ फिर बाद में उनको क्या मुक्ति के मार्ग खुल जाते हैं जो भागवतम के अंदर पांच प्रकार की मुक्ति बताई गई सारोप्य सारोप्य साष्टी तो ये सारी मुक्तियों के द्वार खुल जाते हैं उसके बाद लेकिन उस समय लेकिन बताया कि ज्ञानी लोग जो मुक्ति का अवलंबन करते हैं तो वो भी अगर उनको शुद्ध साधु संग मिल जाए तब उन्हें भगवत भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न होती है कर्म मिश्रा के अंदर जो भक्ति मिश्र कर्म मिश्रा के अंदर उन्होंने दो उदाहरण दे रहे थे एक तो गजेंद्र का जब दुख के समय जब गजेंद्र को गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और अभी बस पूरा डूबने जा रहा है तालाब के अंदर सिर्फ सूंड बाहर रह गई है किसी तरह से श्वास ले रहा था और अभी बस प्राण निकलने वाले हैं उस समय पर क्या किया इसने भगवान को पुकारा था तो इसलिए वो एक उदाहरण दिया दूसरा एक उदाहरण दिया ध्रुव महाराज का ध्रुव महाराज भी भगवान का भजन कर रहे थे किस उद्देश्य से राज्य के उद्देश्य से तो वो एक उदाहरण दिया कर्म मिश्रा भक्ति में उसके बाद भी बताया उससे श्रेष्ठ ज्ञान मिश्रा के अंदर बताया जैसे चतुर्संध जो चार कुमार है चार कुमार में कह रहे थे कि चार कुमार वो शांत रस में है लेकिन जो ऐसे ज्ञानी भक्त हैं उन ज्ञानी भक्तों को भी यदि भगवान के भक्तों का संग मिले तो उनकी भगवत सेवा के प्रति उनकी रुचि हो जाती है And actually one night thinks, okay, what is for me? Where I am? Where I am in this karma? Which karma I'm following? Because Krishna explained to Arjuna different types of karma in Bhagavad Gita. And then Arjuna asked Krishna, okay, Krishna, you said so many things. There is karma yoga, there is jnana yoga, there is bhakti. And but where I am, what should I follow? And Krishna said, okay, you are already higher than Sakama Bhakti, but you still cannot practice Shukta Bhakti. That's why you should practice Bhagavad Arpita Nishkama Karma Yoga. You should do Bhagavad Arpita Nishkama Karma Yoga. This is like, I understand this is like my level. I try to be like this. Slowly get supriti and progress. And as Vishnu Chakravartakur said, that girl, when she's mature, she can give birth to child.
but need some time. She should grow up, and after this, all these feelings inside the heart will reveal automatically. So the same things need just maturity in bhakti. And Srimad Bhagavatam, this is about pure karma. It's devoid of this Misha Bhakti. And this Parama, Dharma Purushottama Dhamo, Paramo, this is for each living entity. Everybody should qualify for this. Because it is said, Savai Pumsam Paro Dharmo, Yata Bhakti Adhokshaji, Ахайдаки Апратихата, Ягатна Сипрасибати. And Dharma Purushottama Dhamo, Paramo, Nirmatsa Dharam Satam. So, but who can actually understand Srimad Bhagavatam? Those who free from envy and free from desire to cheat. So it means sincere. These two conditions should be to understand Srimad Bhagavatam. Not so easy if you have the desire to enjoy. If I have the desire to enjoy, then how can I be sincere? I always try to do more than I need. Some cheap others, all these things. So, again, the main problem is the desire to enjoy this material world. But if we try to associate with Vaishnavas, we can see by example in Sadhu Sangha how to be selfless, nishkama, really nishkama. After that, Vedyavam Astra. In Srimad Bhagavatam, this is about Krishna himself. Actually, Gurudev was saying that Srimad Bhagavatam, this is about Srimad Radharani. Srimad Radharani, Vedyavam Vastavam Vastu, the supreme entity, about Srimad Radharani. And Shivadam, it means it is all auspicious. Why? Because the result, this, it gives the supreme result. You can become Parikar of Krishna. You can become, not Parikar, but meet him directly and serve him directly. Shivadam, Tapatrayam Mulanam, remove all material sufferings. Adivautik, Adidai, Adiadmi, birth, death, old age, disease, all these things easily removed by Srimad Bhagavatam in Sadhu Sangha. Srimad Bhagavate Mahamani Kirti, Veda Vyas, he made Vedas, Puranas, Itihasas, but he was unhappy. Then Narada said, okay, the reason you didn't say about Krishna. And actually, you know, this is very funny things. In material worlds, often, in material world, also happen these things. So many people, they try to write so many books, so many spiritual books, but they are themselves not happy. And these books cannot give happiness to other things. So that's why in Srimad Bhagavatam, in the beginning, it is said, Kimva Prayim, no need other different type of spiritual practices. Just follow Bhakti, just follow Srimad Bhagavatam. It is easy, it is naturally, and it gives you supreme fruit. So, if you in humble mood listen to Srimad Bhagavatam, then you will easily critique you. If you simple target, if you Trinada Pisa Mishana, then easily you can listen, accept these things, follow these things, and got the fruit of Srimad Bhagavatam. It means Krishna Prema. So I wish you all to get this sweet fruit, Krishna Prema. Myself also, I want to get it by the mercy of Gurudev, our Parampara, Panchaka tradition. प्रभु जी बोल रहे थे, देखो कि जैसे भगवान ने कहा कि सूर्य सर्व देवी नाम, गीता में बोला था कि मैं ही सबका सूर्य हूँ। तो अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि अर्जुन की योग्यता किस प्रकार की उस समय पर, तो अर्जुन ने कहा कि तुम निष्काम पूर्ण रूप से शरणागत होके और जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति उसका अवलंबन नहीं कर सकते, तो क्या करो, भगवत अर्पित निष्काम कर्म करो।
इन्होंने बतलाया कि उस समय स्वयं को भी उसी स्टेज में मानता हूँ, भगवत अर्पण निष्काम कर्म करते हुए और भक्ति में आगे अग्रसर हो, लेकिन साधु संग निरंतर करना पड़ेगा। उदाहरण देते जैसे जैव धर्म के अंदर आता है, वैष्णव दास जी, उनको जब उन्होंने एक बार बस दर्शन किया था किसी सन्यासी का जो भगवान का कीर्तन करते हुए आनंद में विभोर होकर नृत्य करते हुए जा रहे थे, तो इतना मात्र दर्शन से ही, साधु संग से ही उनके हृदय में लोभ उत्पन्न हो गए, उनके हृदय में भगवान की भक्ति करने की इच्छा हो गई। तो इसलिए बता रहे संघ बहुत जरूरी है। तो धर्म प्रोजीत कहते हो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम कह रहे हैं, लेकिन ये इस सर्वश्रेष्ठ धर्म का अवलंबन कौन करेगा? निर्मत्सर साधु, जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि ये दोष नहीं है, जो इस संसार में संसार को भोगने की इच्छा नहीं है जिनके हृदय में, वो ही निर्मत्सर साधु ही एकमात्र इस धर्म का अवलंबन कर रहे हैं। फिर बता रहे देवदेव वास्तव मात्र वस्तु की वास्तव वस्तु अर्थात कृष्ण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है, इसको ये श्रीमद् भागवतम स्थापित करता है। और गुरुदेव के मुखारविंद से हमने श्रवण किया कि कृष्ण नहीं श्रीमती राधा रानी को प्रतिका श्रीमती राधा रानी ही इस भागवतम ग्रंथ के अंदर प्रतिपादित विषय है। रसिक जन जो है वो उसकी इसी प्रकार की व्याख्या करते हैं, क्योंकि जो कृष्ण है उनको भी आकर्षित कर देने वाली श्रीमती राधा रानी है। तो वास्तव वस्तु शिवदम, शिवदम अर्थात जो सर्व मंगलकारी है, क्यों? क्योंकि ये आपको भगवान का परिकर भगवान की साक्षात सेवा प्रदान करने वाला है, तो इसलिए शिवदम। और ताप त्रयोन्मूलनम, जो त्रिताप है आदि देव आदि भौतिक आध्यात्मिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सारे तापों को दूर करने वाला है, ताप त्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वर, इसके अंदर कह रहे हैं कि जब श्रीमद् भागवतम जैसा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रकाशित हो गया है तो और किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही क्या है। इस जड़ जगत में भी देखा जाता है कि कई सारे लोग कई कई ग्रंथ लिखते हैं, स्पिरिचुअल ग्रंथ लिखते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ लिखते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक ग्रंथ उनको कभी उनको शांति नहीं मिलती, तो उनके ग्रंथ पढ़ के किसी और को शांति कैसे मिल सकती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, इनके इसके होने के बाद में और किसी ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। सत्योहृदय अवरोधते अत्र कृति विश्वशुभित अक्षणा, की इच्छा करने मात्र से ही भगवान के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हरे कृष्ण जोर से बोलो, हरे 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 राम 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 बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजीवन प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, किसने प्रभुपाद को क्या प्रश्न किया था, बोले साधु संघ क्या जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या? तो कहते निश्चित रूप में साधु संघ करनी चाहिए, बगैर साधु संघ के जीव का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है, हैं? इसलिए इसी कड़ी में हम लोग श्रवण कर रहे थे, कहते मठ में जो उत्सव आदि करा है, श्रीमद् भागवत कथा है, हरि कथा आलोचना करा है, ताहर मूल उद्देश्य चेतन वृत्ति उन्मेषित कर। कहते मंदिर में जैसे हमारी जन्माष्टमी हुई है, राधाष्टमी होगी, हमारे गुरुवर्गों का जो तिथि जो पालन कर हम लोग करते हैं, उत्सव आदि होता है भागवत कथा, कहते इसका मूल उद्देश्य क्या है? बोले जो चेतनता का वृत्ति उनमें सित करा है। कहते हमारे हृदय में जो चेतनता है, अभी हमारे अंदर में जो चेतनता वो बंद हो गया है, वो ढक गया है, हैं? क्योंकि जीव मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जो जीव है हम भगवान की सबके सब नित्यदास नित्य सेवक हैं, लेकिन अभी हम ये चीज़ को भूल करके अभी किसकी दासत्व कर रहे हैं, अभी हम लोग सब माया की दासत्व कर रहे हैं।
क्योंकि हमें वो चेतनता जागृत है, हम सब माया के दासत्व कर रहे हैं। लेकिन जब हम वैष्णव संग करते हैं, गुरु वैष्णव कथा भागवत कथा सुनते हैं, कथा सुन करके फिर हमारे हृदय में वो जागृत हो जाता है, वो भाव हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। क्या जागृत हो जाता है? भगवान की भक्ति और भगवान की भजन करनी चाहिए। ये केवल साधु संघ से ही होता है, बगैर साधु संघ के जीव का कोई भी कल्याण नहीं। इसलिए कहते सत्संग हरि कथा श्रवण द्वारा चेतन रे उनमें सहय जीवर मंगल लाभ है थाके। जब जीव की भक्ति वृत्ति उनमें से तो होता है, तभी जीव का ही मंगल है, नहीं तो जीव का कोई मंगल है नहीं। बोले भक्त ही साधु, कहते भोगी बात त्यागी साधु न। कभी कभी हम साधु है ना, साधारण लोग किसको साधु सोचते हैं? कोई फलाहारी हैं, कहते हम केवल दूध पान करते हैं, कल फल खाते हैं और कोई अन्न नहीं खाते हैं, हैं? इसलिए हम कोई झटा झटधारी है, हैं? कहते हम इसकी हम ये सब चीज को ना हम साधु मन सोचते हैं। लोग जो एक समय प्रभुपाद ने कहीं प्रचार करने के लिए गए, वहाँ पर जैसे कहीं प्रचार होता था, पहले प्रचार करते थे, यहाँ पर एक बहुत बड़े साधु आ रहे हैं, साधु संघ के लिए आओ, दर्शन करने के लिए आओ। साधारण लोगों जब भावना साधु जैसे मैला कपड़ा पहना हुआ होगा, शरीर में राख मला हुआ होगा, हैं जटाजूट होगा, लोग का धारणा ये सब चीज है, हैं हैं हाँ त्रिपुंड धारण किया होगा। लेकिन वहाँ पर आए एक साधु भी आया, बोले साधु दर्शन, साधु भी आया और आ करके प्रभुपाद को देखा, एक इजी चेयर में बैठे हुए प्रभुपाद और कोट पहने हुए थे, हैं और बढ़िया कपड़ा पहन दंड और बढ़िया अच्छे कपड़े चपड़े बढ़िया से पहने हुए थे। इसको देख करके तो भ्रमित हो गए, बोली कोई साधु। हम जानते साधु पेड़ को नीचे बैठ कर धुन जलाता है, हैं धुन आग जला करके उसके पास में बैठता है ना साधु। कहते ये कौन सा साधु है, हैं जो एकदम बूट पहने हुए और कोट पहने हुए एकदम ठाड़ वाड़ से, ये कैसे साधु है? इसलिए कहते भैया साधु हमको तो ऐसे समझा। लेकिन जब प्रभुपाद की उन्होंने कथाओं को सुने, उनको विचार को जब उन्होंने सुना है ना, एकदम आश्चर्य में पड़ गए उनके विचार को सुन करके, क्योंकि वो जितने सारे बात सब वैकुंठ वार्ता गोलोक वृंदावन की सब कथा कह रहे थे। जब इसलिए शास्त्र ने बताया जो साधु को बा धाम को कहते आँखों से दर्शन मत क्या करो, उसको कानों से देखो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जैसे धाम जाओ ना आँखों से मत देखा करो, आँखों से देखो तो क्या होगा? बोले एक समय बंगाल से कुछ व्यक्ति आए, वो वृंदावन की कैसे कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, बंसी बट को नीचे कैसे गोपियाँ आती हैं, कैसे वहाँ पर सुंदर जमुना बह रही हैं और बेली चमेली जूई खिली हुई चंद्रम का किरण भगवान लोग सुनते हैं ना, और कृष्ण जब चले गए गोपियाँ रो रही हैं सब ब्रजवासी सब सुनते हैं, उनको बड़ी भावना लेकर के वृंदावन में आए। लेकिन आप वृंदावन में जाकर देखना नाली बह रहा है, सोरिया घूम रही रास्ते रास्ते में, अब बंदर तो चश्मा ले जाते पर्स भी छीन करके कोई पास। तब वो लोग जब वृंदावन में आए तब उन लोगों ने मैंने उनको दर्शन कराने के लिए ले गया वृंदावन के ले गया, तो उनको सेवा कुंज में गए, वहाँ पर भी सब बंदर इधर उधर भाग रहे हैं, टाटी पे साफ बदबू आ रही हैं, अब देखना सोरिया कैसे नाली कैसे बह रही, सब चीज़ देखने को मिलता है। ये सब चीज़ को देख करके ना उनको तो घृणा आ गया, बोले हमने तो वृंदावन धाम की बड़ी महिमा सुन करके आए थे, भैया वृंदावन धाम ऐसे बेली चमेली जुई सब कल्प वृक्ष जो मांगो वही देता है, और एक वृक्ष में सारे फूल सारे पत्ते एक वृक्ष में सारे हैं फल मिलता है। दिव्य वृंदावन धाम का वर्णना किया, चिंतामणि कल्प वृक्ष हैं, बोले ये क्या नाली बह रही है, सूर्या घूम रही है, बंदर सब चिंचान कर रहे हैं और पंडे लोग भी खिंचातन कर रहे हैं। लेकिन उनको मैंने जब लेकर के सेवा कुंज में बैठाया और उनको बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाई, आई आपका वृक्ष कैसे है, हमको जड़ आँखों से तो दिखता है साधारण उजड़ा हुआ जैसे वृंदावन की, लेकिन हमारा आँखों का सामने एक माया की परत पड़ा हुआ है। लेकिन जब भगवान की कृपा से जब ये आँखों को सामने माया की परत हट जाती है, तब भी ये वृंदावन के दिव्यत्व को हम दर्शन कर सकते। पहले नहीं,
हमने बड़ी सुंदर सुंदर उनको वृंदावनी कथा सुनाया। बोले आंखों से मत देखा करो ऊपर चीज को। कभी कभी जो माया है ना, जो भोगी लोगों को वंचित करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे चीज कर रखा है। जो भोगी लोग आकर के जिसके अंदर भोग वृत्ति रहेगा, हम जाकर के वृंदावन में वास करेंगे क्यों? अपना भोग को हैं, भोग को बढ़ाने के लिए। कहते माया इनको भगाने के लिए सब ऊपर से सब दिख रहा है, लेकिन ये वास्तविक वृंदावन जड़ आंख में नहीं देख सकते। उसके लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए। हमने ये सब कथा को सुना है ना, बोले बाबा आप तो हम लोग को बचा दिया, नहीं तो वृंदावन का प्रति हम तो जो वापस जाते हम तो उल्टा उल्टा बोलते भैया वृंदावन मत जाया करो, कुछ है ही नहीं वहाँ पर, नाली बहती है सूर्या घूम रही सब रास्ता में और बदबू मारता है, और बदबू मारता है, इसलिए वहाँ पर मत जाया करो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते भोगी बात त्यागी साधु नहीं। हम जिसको कहते ना भोगी बात त्यागी, ये कोई साधु नहीं है। जो भोग करने वाले त्याग करने वाले इनको साधु नहीं कहते हैं। कहते भक्त साधु संग कर ले जाना जाए, जे भोगर पथ जर कुपत त्यागर पथ से पर विपद। कहते जब हम साधु संग करते हैं तभी हमें क्या पता चलता है, कहते जो भोग का जो मार्ग है कहते ये भी कुपथ है, ये सही पथ नहीं, और जो त्याग का जो मार्ग वो भी कुपथ है। दोनों ही त्याग करनी चाहिए, हमें भोग भी नहीं करनी चाहिए, हमें त्याग करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु जब श्रीवास अंगन में नित्य कीर्तन करते थे, एक फलाहारी साधु दूध पयो पले पयोहारी फलाहारी है, श्रीवास पंडित बोले प्रभु एक साधु आपको दर्शन करना चाहते, कभी अन्न नहीं खाता है, वो फल के बोले दूध पीते हैं। महाप्रभु बोले फल दूध पीने से भगवान मिलते हैं, इसलिए दूध पीने से अगर भगवान मिलते तो बछड़े को पहले मिल जाते, फल खाने से अगर भगवान मिलते बंदर को मिल जाते। हमारे कोई एक कोई भक्त आया वृंदावन में आए, तो बोले हम केवल फल और दूध पीते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। देखो क्या कहते हैं हमारे भक्ति प्रमोदपुरी भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज, बोले तुम रोटी चावल क्यों खाए, उसमें क्या है असली चीज़? तो फल और दूध में तो असली चीज़ है ना। बोले असली चीज तो फल और दूध में, हम लोग तो चावल और रोटी किसी तरह से खा करके प्रभु की, जैसे गोस्वामी लोग क्या करते थे, गोस्वामी लोग कभी चना कभी खा लेते थे, कभी आटा कभी ओबीमाना कभी आटा में बगैर नमक के टिकिया बना कर सेक करके उसको खा कर भजन करते थे, किसी तरह से पेट को पाल करके भजन करते थे, हैं किसी तरह से करो और भगवान की भजन करो। इसलिए भक्ति में पूरी गोस्वामी महाराज बोले क्यों ये सब चीज़ को खाओगे, असली चीज़ तो दूध में ना और असली चीज़ तो फल में ही है, इसको क्यों खाएगा भाई? वो बोले हम भैया साधु हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसा दो द्वार फल खाने के लिए, हम तो किसी तरह से अपना पेट को पाल करके जीवन को प्रभु की भजन में लगाना चाहते, प्रभु की भक्ति में व्यतीत हम करना चाहते। इसलिए कहते त्याग से भगवान नहीं मिलते और भोग से भी भगवान नहीं मिलते। कहते तृतीय पंथा मुरारे, कहते भक्तों को तीसरी रास्ता को स्वीकार करनी चाहिए। तीसरी रास्ता क्या है? भगवान की भक्ति के मार्ग है। जो कुछ मिले ठाकुर जी को भोग लगा करके उसको प्रसाद रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए, किसी तरह से अपना जीविका निर्वाह करके प्रभु की भजन में जैसे जीवन लग जाए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं फल्गु वैराग्य मध्य पथे दिशहरा हैया त्यागर व्रत ग्रहण करिया छे। कुछ लोग है कहते फल्गु वैराग्य मध्य पथे दिशहरा हैया, फल्गु एक नदी है, कहते ना वैराग्य पांच तरह का है, एक है मर्कट वैराग, स्मशान वैराग, फल्गु वैराग, प्रसव वैराग और युक्त वैराग्य। इसलिए एक वैराग्य है, कौन सा वैराग्य? फल्गु वैराग्य। फल्गु नदी है, सीता जी के अभिशाप से वो नदी ऊपर में रहती 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 दिखता है, लेकिन थोड़ी सी रेती को हटाओ ना पानी दिखता है। कहते उसी तरह कई से कुछ लोग है नहीं एकदम छिड़ा पहन करके कपड़े फपड़े एकदम पूरा छिड़ा कपड़ा पहन के रखे दिखाने के लिए दोनों को, अच्छे कपड़ा होगा तो उसको फाड़ देंगे, फाड़ करके उसको पहनेंगे और बड़े बड़े ऊपर से बैराग दिखाएंगे, हैं बड़े बैराग दिखाएंगे, हम तो बड़े बैराग, लेकिन अंदर में देखो तो अंदर में भोग की जो वासना हृदय में बह रही है, भोग की वृत्ति बह रही, इसको कहते फल। कुछ लोग है फल मध्य पथ दिशा हरा
कुछ लोग इसको ही भक्ति समझते हैं, भक्ति समझ करके त्यागर पथ ग्रहण करिए अच्छे। उन लोगों ने क्या किया, त्याग पथ को ही उन्होंने सब छोड़ दो, सब सब छोड़ देने के लिए किस चीज चाहे। लेकिन भक्त लोग भैया किस चीज को छोड़ना नहीं, सब चीज को जोड़ना है। देखो इतने किसने प्रभुपाद जब कलकत्ता मठ है बाघ बाजार बड़ा सुंदर मठ प्रभुपाद ने बनाया था उसी समय, इसको अभी कर लिए थे इतना, लेकिन उसी समय बड़े सुंदर मंदिर बनाया था और बड़े सुंदर चेयर कारपेट बिछाए कर रखे थे मंदिर सुंदर। किसी ने आग्रह किया ये कोई साधु का लक्षण है, साधु तो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, आप तो यहाँ पर बड़े सुंदर मंदिर मंदिर बड़े सुंदर बने। तब उन्होंने बोले भैया ये मेरे लिए नहीं है, तुम लोगों के लिए, मैं तो पेड़ को नीचे भजन कर लूँगा, अगर मैं पेड़ को नीचे बैठता ना तुम लोग कभी यहाँ नहीं आते। इसलिए सुंदर मंदिर बनाया, कारपेट बिछाया, चेयर तुम लोगों के लिए लगाया, तभी आ करके यहाँ पर बैठ करके हरिकथा सुन रहे हो। अगर इसको नहीं करते ना हैं, आप कभी यहाँ पर नहीं आते कथा सुनने के लिए। तुम लोग बाबू लोगों के लिए मैं सब बनाया, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया है। इसलिए यहाँ कहते हैं कदे कदे त्यागर पर जड़ जगतर प्रति प्रीति व प्रीति राहित तो उभय इस विमुखता। कद जड़ जगत का प्रति प्रेम करना और प्रेम से बाहर रहना ये दोनों ही क्या है, कहते ये दोनों ही ईश्वर विमुखता, ये ईश्वर विमुखता है। इसलिए जड़ जगत में प्रेम भी नहीं करनी चाहिए और प्रेम राहित भी नहीं होनी चाहिए, प्रेम से रहित नहीं होनी चाहिए, कहते ये दोनों ही ईश्वर विमुखता है। इसलिए हमें प्रेम कहाँ करनी चाहिए, हाँ इसलिए कहाँ करनी चाहिए प्रीति, कहते प्रीति करनी चाहिए भगवान के भक्तों को, भगवत द्रव्य को, भगवान की भक्ति संबंध वस्तु को हमें प्रीति प्रेम करनी चाहिए। जड़ वस्तु का प्रति प्रीति प्रेम करने पर जैसे भरत महाराज ने क्या हुआ, हिरण को प्रीति किया तो अगले जीवन में हिरण बन करके आए, और जो कैलाश ने बच्चों को प्रेम करता तो दूसरे जीवन में कुत्ता बन करके आया, फिर बैल बन करके, फिर सांप बन करके आना पड़ा। ये जड़ जगत में प्रीति करेगा तो ये कुत्ते गधे शूद्र फिर ये जगत में। इसलिए जड़ जगत का किसी वस्तु का प्रति प्रीति नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो भगवत भक्ति। भोग और त्याग ये दुई प्रकार इस विमुखता परित्याग ना कर ले भक्ति पूर्ण आश्रय लाभ है ना। इसलिए हमें भोग भी नहीं करना, हमें त्याग भी नहीं करना, हमें क्या करना, भगवान की सेवा करना है, हैं? हर चीज को, हर चीज को हमारे एक भक्ति। अभी जो सागर महाराज, अभी आचार्य एक समय देखा वो जो नए नए नोट को ना इसे अच्छे तरह सजा सजा कर रख रहे। मैंने कहा महाराज इसको इतने पैसा को साधुओं को पैसा दूर, आप इतने नए नए नोट को एकदम बढ़िया करके क्यों रख रहे हो। बोले ये राधा रानी है, पैसा लक्ष्मी और राधा रानी, इसलिए राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए हम इसको जत्न कर रहे हैं, क्योंकि इसके इससे हमें कृष्ण सेवा कर पाएंगे। इसलिए हर चीज को हमें भगवत सेवा के लिए, इसलिए हमें दोनों प्रकार को इस विमुखता परित्याग ना कर ले भक्ति पूर्ण आश्रय है ना। इसलिए शुद्ध भक्ति विचार बुझते ना पा ले है भोगी ना त्यागी हया जाए वे। इसलिए कहते शुद्ध भक्तों का विचार को हमें अच्छे तरह से हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो हम भोगी हो जाएंगे, नहीं तो हम त्यागी हो जाएंगे। भोगी भी गड़बड़ी है और त्याग भी गड़बड़ी, इसलिए हम ये जो चीज नहीं करना, हर चीजों को ठाकुर की सेवा में लगा करके, गुरु वैष्णव की सेवा में लगा कर प्रसाद रूप में ग्रहण करो, इसी से ही हमारी कल्याण। इसलिए भोग भी नहीं हमें त्याग। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, बोले ये साधु संग से ही ये वस्तु हमें पता चलता है। इसलिए हर वस्तु को ठाकुर को सेवा की चीज मान करके, हर वस्तुओं को मंदिर में जितने सारे वस्तु है हर चीज को ठाकुर को सेवा मान करके उसको बड़े जत्न पूर्वक हमें रखनी चाहिए। इसलिए मैया जोशीदा किया कि जो दूध उफन रहा था ना, कृष्ण को भी उन्होंने छोड़ दिया, भगवान को भी त्याग दे दिया, जाकर क्या किया, दूध उफन रहा था तो सुनन रखा गया, बोले क्यों, बोले कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण सेवा में ये लगेगा। इसलिए जो चीज कृष्ण सेवा में लगता है उसको प्रति हमारी जतना होनी चाहिए, ठीक है। गौर भगवान।